भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है ऊर्ध्वा मूल मध शासन अश्वथम प्रावृत्य छंदांश यश परणानी यस्तम वेद सभी देवी। ये जो संसार है एक वृक्ष है। संसार क्या चीज है? एक वृक्ष है। और इस वृक्ष की जड़ कहां है? ऊपर। जड़ कहां होता है? नीचे। लेकिन इस संसार वृक्ष की जड़ कहां है? ऊपर। अधः शाखा। और शाखाएं कहां है? नीचे। ये जो संसार वृक्ष है इसको क्या कहते हैं? अविनाशी। जैसे भगवान को अविनाशी कहा जाता है वैसे ही संसार वृक्ष को भी अविनाशी कहा जाता है। और इस संसार वृक्ष के पत्ते वेद जो वेद है उस संसार वृक्ष के पत्ते कहलाते हैं। और यस्तम वेद से वेद यह तम जो इस संसार वृक्ष को जान लेता है उसको तत्व ज्ञानी बोलते हैं। इस संसार वृक्ष क्या है? माया ही तो है। जो इसकी जड़ें हैं वो ऊपर है ब्रह्म धाम में। भगवान कहां पर रहते हैं? कहते हैं कि ब्रह्म धाम के ऊपर सबसे ऊपर। तो ब्रह्म सबसे ऊपर है और ब्रह्म का प्रथम कार्य ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी मोटी शाखा हो गए। इस अविनाशी संसार वृक्ष की जड़ें ऊपर है शाखाएं नीचे है। ये उसके पत्ते हैं। और जो इस संसार वृक्ष को जान लेता है वो तत्व ज्ञानी कहलाता है। जो ये संसार माया का कार्य स्वीकार किया गया कि जो संसार है ये माया का कार्य है। लेकिन इस कार्य की जड़ कहां है? ऊपर है। क्या तात्पर्य हूं? यही तो वृक्ष बनता है ना। जो वृक्ष है वो किसका परिणाम है? बीज का। तो बीज तो ब्रह्म है। तो संसार क्या हुआ? जब इसका बीज ब्रह्म है और बीज का ही परिणाम जगत है तो जगत भी तो ब्रह्म ही है। चाहे ब्रह्मा के रूप में हो चाहे पत्ते के रूप में हो। तो उस वृक्ष को जो जान लेता है वो ब्रह्मवित हो जाता है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में गर्भ स्तुति करते हुए देवताओं ने भी कहा है एकायनोसौ विफल त्रिमूल चतुरसह पंच विदर्शनात्मा सप्तत्वगस्त विकपो नवाक्षो दशच्छदी दीख विव्याद वृक्ष। ये जो संसार वृक्ष है ये सनातन है। इसको पीपल वृक्ष की संज्ञा दी गई है। ये सनातन है अनादिकाल से ये चला रहा है। इसके ऊपर दो फल लगते हैं द्विफला दो फल कौन कौन? सुख और दुख। इस वृक्ष के ऊपर दो तरह के फल हैं सुख और दुख। त्रिमूल तीन जड़ है। देखिए
यहां देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा कि इसके तीन जड़े हैं, सत रज तम। लेकिन दूसरी जगह ये भी कहते हैं कि नहीं, गीता में कहते हैं ओ भूला मदा साखा, इसकी जो जड़ है ऊपर है, यानी इसकी जड़ ब्रह्म। और यहां पर कह रहे हैं भागवत में त्रिमूला, इसकी तीन जड़ें सत रज और तम, चतुरस चार रस है। कौन कौन चार रस कौन कौन है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार। पंचविध है, इसकी जानने के पांच कर्ण हैं। इस संसार वृक्ष को जानने के लिए हमारे पास पांच कर्ण है। कौन कौन? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन पांचों उपकरणों से कर्णों से संसार वृक्ष को जाना जाता है। सात्मा छी इसके स्वभाव है। प्रहलाद जी ने सप्तम स्कंध में अपने सखाओं को उपदेश देते हुए कहा है, जन्माद्या खड़िमे भावा दृष्टा देह सनात्मन फलानामी वृक्ष कालिनेश्वर मूर्तिना। संसार के प्रत्येक वस्तुओं में छह भाव विकार देखे जाते, छह स्वभाव। जन्म लेना, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, ह्रास और विनाश। ये छह भाव विकार संसार के प्रत्येक वस्तुओं में दृष्टिगोचर हो जाए। जैसे फल है, वृक्ष में लगा तो फल की उत्पत्ति हुई, जब पुष्प से फल के रूप में परिणत हुआ उसकी उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति होने के बाद उसके अस्तित्व की अनुभूति होने लगी। जब अस्तित्व की अनुभूति होने लगी तो धीरे धीरे उसमें वृद्धि हुई, वो बढ़ा, फल बढ़ा, और फल बढ़ा तो फल में परिणाम हुआ। पहले हरा था और जब परिणाम हुआ तो पीला बन गया, और उसमें अब ह्रास हुआ, वो पका गलित हो गया। ये पांचवा परिणाम। अब छठा परिणाम, जब गलित हुआ, ह्रास हुआ उसका, तो पेड़ से टपक पड़ा, नीचे आ गया, यानी उसका नाश हो गया। हम लोगों का शरीर है, हम लोगों ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद इसके अस्तित्व की अनुभूति हुई, दूसरा परिणाम हुआ, तीसरा ये वृद्धि को प्राप्त हुआ, चौथा इसमें परिणाम हो गया, बाल काले थे, सफेद हो गए, आंख की ज्योति बहुत ठीक थी, अब दृष्टि कम हो गई, कान से सुनने की शक्ति कम हो गई, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, तो यह अब यह परिणाम हुआ। और परिणाम के बाद ह्रास होने लगा, पहले 80 किलो वजन था, बुढ़ापा आया तो धीरे धीरे इसका वजन 40 किलो रह गया, 30 किलो रह गया। पांचवा छठा परिणाम, इस शरीर का अभाव हो जाता है, प्राण का और शरीर का वियोग हो जाता है, इसको जला देता है। तो संसार के प्रत्येक वस्तुओं में ये छह भाव विकार निश्चित रूप से पाए जाते हैं। आत्मा सात रक्त रस रक्त मांस मेद
मज्जा अस्थि और शुक्र। ये सात छाल है और आठ इसके विकट है, मोटी मोटी शाखाएं हैं। कौन कौन? मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन मात्राएं। जो मूल प्रकृति है वो केवल प्रकृति है, उसको छोड़ दें तो महतत्व, अहंकार और पंच तन मात्राएं, ये प्रकृति भी है और विकृति भी है। जैसे त्रिगुण का परिणाम महतत्व हुआ तो त्रिगुण की विकृति है महतत्व, लेकिन महतत्व प्रकृति भी है। किसकी प्रकृति है? अहंकार की। अहंकार महतत्व की विकृति है और अहंकार की प्रकृति है महतत्व। जो अहंकार है वो भी प्रकृति और विकृति है, वो तन्मात्राओं की प्रकृति है और महतत्व की विकृति है। जो तन्मात्राएं है ये भी प्रकृति और विकृति है। पंचभूतों की प्रकृति तन्मात्राएं विकार है पंचभूत, और पंचभूत की प्रकृति है तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो पांच और तीन आठ ये प्रकृति की संज्ञा दी गई, इनमें से सात प्रकृति विकृति मानी गई है और मूल प्रकृति केवल प्रकृति मानी गई। तो ये आठ मोटी भूतक नवाक्ष, नौ इसमें दरवाजे हैं, नौ खुलर है। कौन कौन? दो आंख, दो नाक, दो कान, एक मुख है, उपस, गुदा। कितने हो गए? नौ। तो नौ इसमें खुलर है। दस अक्षदि, दस इसमें पत्ते हैं। ये छंदांश यश प्रणानी गीता में कहा कि वेद पत्ते हैं और दिवस्तुति में, गर्भस्तुति में देवता लोग कहते हैं कि दस पत्ते हैं। दस पत्ते कौन कौन है? सनातन वृक्ष के प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, कूर्म, देवदत्त, धनंजय, क्रिकल। ये पांच दिन दस इसके पत्ते कहे गए और इस सनातन वृक्ष के ऊपर दो पक्षी हैं। कौन कौन? जीव और ईश्वर। जीव और ईश्वर दोनों इस सनातन वृक्ष के ऊपर है, एक नहीं है, दोनों। वैसे जीव और ईश्वर दोनों एक ही है, उनमें तात्विक भेद नहीं है, लेकिन जो बुद्धि के उपाधि से उपहित चैतन्य है, बुद्धि के उपाधि से जो युक्त है वो जीव है और बुद्धि के उपाधि से रहित जो चैतन्य है वो ईश्वर है, और दोनों इस वृक्ष के ऊपर निवास करते हैं। शरीर रूपी वृक्ष जी, ख
खगो यादि वृक्ष दोनों ही सनातन वृक्ष के उस पर निवास करते हैं। तो ये जो सनातन वृक्ष है ये माया का कार्य है, और थोड़ा सा ऊपर डाले तो माया भी भगवान से पृथक नहीं है। यदि भगवान से माया पृथक हो जाती तो माया का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जैसे हम और हमारी शक्ति यदा दुग्धे च भावल्यम यथाग्नौ दाहिका सति, जैसे दूध में सफेदी है तो दूध और सफेदी दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता है। अग्नि और अग्नि की दाहकता इन दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता है। यथातम च तथाहम च भेदे ही नावयोर्ध्वम, उसी प्रकार ब्रह्म में और माया में भेद नहीं है। एक शक्तिमान है, एक उसकी शक्ति है। जैसे पुष्प से सुगंध की सत्ता पृथक नहीं है, एक रूप है, उसी तरह ब्रह्म और माया भी एक रूप है। लेकिन भगवान अपने माया का आश्रय लेकर इस जगत का निर्माण करते हैं। मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये जो माया है भगवान की योनि है, और उस योनि में भगवान गर्भाधान करते हैं और फिर जगत की सृष्टि होती है, जगत की रचना होती है। यानी इस जगत के रूप में जितनी आकृतियां दृष्टिगोचर हो रही है सब भगवान में। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तमवज्ञा यमामर्त्यः कुर्ते अर्चा विडम्बन। एक कपिल देव जी मां देवहूति से कहते हैं कि मैं संपूर्ण भूत प्राणियों में आत्मा के रूप से स्थित हूं, आत्मरूप से स्थित हूं, लेकिन संसार की प्राणी हमारी चलती फिरती मूर्ति को छोड़कर और पत्थर की पूजा करता है, पाषाण की प्रतिमा की पूजा करता है, वो उसकी पूजा विडंबना मात्र है। जैसे कोई तड़प रहा है, भूख से प्यास से व्याकुल हो रहा है, उसको हम छोड़ करके तड़पते हुए को छोड़ करके मंदिर में जाकर हम 56 भोग लगाएं, उसको जल पिलाएं, तो वो विडंबना है। कपिल देव जी कहते हैं हम एकनाथ जी के जीवन को देखें, हम एक कौन थे जिसके वो कुत्ते के पीछे लेकर के बाट की दौड़े थे, क्या नाम था उनका, नामदेव जी रोटी बना रहे थे, एक कुत्ता आया और रोटी लेकर के भागा, तो नामदेव जी पीछे पीछे कटोरी में घी लेकर दौड़े, अरे महाराज ठहरो ठहरो ये रोटी बड़ी कड़ी है, आपका जबड़ा छिल जाएगा, नीचे ही जाएगा, इसमें जरा घी लगाने दो। भूत आत्मभाव था, उस श्वान से ही भगवान विट्ठल की उत्पत्ति होगी। एकनाथ जी गंगोत्री से जल लेकर जा रहे थे चढ़ाने के लिए रामेश्वरम पर, बीच में गड्ढा मिला, प्यास से तड़प रहा था, जीव दया थी, भूत आत्मभाव था, अपने उस कांवर को उतार लिया और घट को उस गर्भव के गधे के मुख में उड़ेलते हुए बोला कि इस गधे के रूप में भी तो भगवान रामेश्वरम ही है, तो यही से हमारी जल को स्वीकार करें, और उस गधे के अंदर से भगवान शंकर प्रकट हुए।
भूतात्मा है। संपूर्ण भूतों में भगवान व्याप्त है, व्यापक है। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से कि तुम्हारा भगवान कहां है, प्रहलाद ने कहा कि सर्वत्र परे बरेणी स्थिर जंगमाये ब्रह्मा दजो येन वसम प्रणीत सर्वत्र क्वासौ। तो पूछा क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि वो सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। खंभे में भी है, खंभे में है। हाँ कूद पर अपने सिंहासन तताराति बल सुमुष्ठिना और मुष्टिका का प्रहार किया खंभे के, तो क्या हुआ बभू वही नंद कटाहस्फुट उस खंभे के अंदर से भयंकर ध्वनि हुई, प्रतीत होने लगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड फट जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ सत्यम विधातुम निजभृत भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिले सुचात्मन अदृश्यता यद्भुत रूप मुद्वहन अस्तंभे सभायाम न मृगम न मानुष न मनुष्य और सिंह नरसिंह के रूप में भगवान का प्राकट्य हो, नरसिंह के रूप में भगवान का वहां पर अवतरण हो, अपनी सर्वव्यापकता की सिद्धि के लिए भगवान खंभे के अंदर से प्रकट हो। भगवान तो भाई सर्वत्र है, कहो सो कहां, जहां प्रभु नहीं भगवान कहां नहीं है, भगवान तो सर्वत्र में, तो दृष्टि गोचर क्यों नहीं होते हैं। दृष्टि गोचर इसलिए नहीं होते हैं कि माया का पर्दा हमारे नेत्रों के ऊपर पड़ा पड़ा है। तो ये जो जगत है एक वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, इसकी जड़ ऊपर है, ब्रह्मा शाखा है, वेद पत्ते हैं और ये सनातन वृक्ष है, शाश्वत वृक्ष है। और अधस्तु धर्मम प्रसिताश्च शाखा गुण प्रवृद्धा विशेत्र वाला अधस्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधनी मनुष्यलोके। देखिए यहां पर दो जड़ की कल्पना की गई। पहले गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में तो इस सनातन वृक्ष की जो जड़ है वो ऊपर की ओर है, और यहां एक दूसरी जड़ की ओर कल्पना मूलान व्यवसंततानि कर्मानि बंधनी मनुष्य में कर्मानुबंधनी जो दूसरी जड़ है वो इस जीव को कर्म बंधन में बांधता मनुष्य इस संसार का। इसकी जो जड़ है वो ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं। अधस्तु धर्मम प्रसिताश्च शाखा इस सनातन वृक्ष की शाखाएं हैं वो सर्वत्र फैली है। कहां कहां फैली है, मनुष्य लोक में भी फैली है, देव लोक में भी फैली है। ये संसार में जितनी आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं इसकी शाखाएं वो ऊपर यानी देवताओं के रूप में भी, मनुष्य के रूप में भी, पशु पक्षी के रूप में भी है, सब रूपों में सर्वत्र फैली हुई है। इस वृक्ष का सिंचन किससे होता है, गुण प्रवृत्ता। भाई वृक्ष है तो जल चाहिए, तभी तो उसका पोषण होगा, सिंचन होगा, तो उसका सिंचन कौन करता है। ये गुण जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है यही इस सनातन वृक्ष की जल है, और इन्हीं गुणों के कारण ये बढ़ता है।
ये संसार दुख। और इस सनातन वृक्ष के ऊपर विषय और भोग के नए नए टोपले निरंतर निकलते हैं, एक दिन नहीं। जो विषय है, जो भोग है नित्य, आज गाड़ी की इच्छा है, कल इससे भी अच्छी गाड़ी आए, आज एक मकान हो कल दो मकान हो, आज एक फैक्ट्री है कल दस फैक्ट्री हो। नित्य कभी घटता नहीं, नित्य निरंतर ये। और ये इतनी प्यारी लगती है, जो कोपल होती है वो बड़ी प्यारी लगती है, पके हुए पते से जो नई कोपले होती है वो बड़ी मुलायम होती है, प्यारी लगती है। ये कृष्णा की जो धारा है अत्यंत प्यारी लगती है। और इस जीव को फंसाती है, नीलाम अनुसंधान इसकी मूल क्या है, इन कोपलों का, इन विषय वासनाओं का मूल क्या है, अहमता और ममता। एक जड़ तो भगवान है सनातन वृक्ष का, और संसार में डालने वाली जो मूल है, जो जड़ है, वो अहमता और ममता है। इसी अहमता और ममता के कारण जीव जगत में जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि अहमता और ममता इन दोनों से जीव पृथक हो जाए तो कल्याण हो जाए, लेकिन हम सब इसी अहमता और ममता में फंसे हुए। ये क्या करता है, ये जो जड़े अहमता ममता क्या करती है, इस संसार में कर्म बंधन में बांधती है। जो कर्मों की डोर है वो अहमता और ममता है। हम लोग जो हृदय ग्रंथि की कल्पना करते हैं, बंधन की कल्पना करते हैं, ये कहीं है नहीं। आज तक किसी ने हृदय ग्रंथि को देखा नहीं है, हृदय में गांठ है उसको देखा नहीं है। हृदय की गांठ यानी कर्म बंधन। हम लोग कर्म बंधन से बंधे हैं। पुत्र के साथ आ सकती है कोई बंधन है नहीं, लेकिन आ सकती है। वही ममता और अहमता, यही दोनों गांठें ऐसी जीव को जकड़ दी है कि छूट नहीं पाता है। वो मेरी संपत्ति है ममता, मैं धनवान हूं ये अहमता। अहमता और ममता रूपी जो दो डोरी है, रज्जू है, इस जीव को जकड़ करके रखती है, छूट नहीं पाता है। वस्तुतः कहीं बंधन नहीं है, लेकिन बंधन नहीं होते हुए भी ये बांध करके रखा है। कोई छोड़ पाता है क्या? अहमता और ममता की डोरी ऐसी मजबूत है कि तोड़ना अत्यंत कठिन है। तो हम सब संसार में इस अहमता और ममता के डोरी में बंध करके जन्म और मृत्यु में पड़े पड़े। इसलिए यह अहमता और ममता के डोरी को काटना होगा। देखिए, न रूपम सिंह तथो पलभ्यते नाम तो न चादर न चौसम प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूनम असंग शस्त्र न दृढ़े न चित्वा। हम जैसा संसार को देख रहे हैं, जिस तरह का संसार हमें लक्षित हो रहा है, वस्तुतः वैसा है नहीं। इस संसार वृक्ष का आदि और अंत भी नहीं है, न इसकी सम्यक प्रतिष्ठा है। और इस संसार रूपी वृक्ष को यदि काटना है, नष्ट करना है,
तो एक अस्त्र है असंग शस्त्र गृहण, इसे संसार वृक्ष को काटना है तो अनाशक्ति वैराग्य रूपी कुठार से काटना पड़ेगा। इसके बिना इस संसार वृक्ष का छेदन संभव नहीं है। संसार वृक्ष को काटना है तो असंगता यानी अहमता और ममता इन दोनों से रहित होकर के इसको हम काटें। यही हमारे पास एक है अस्त्र है काटना, और जब तक हम काटेंगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। देखिए हम व्यवहार कर रहे हैं संसार के साथ, अब हम विचार करने लगे, विचार की गहराई में प्रवेश करें तो जैसा संसार हमको व्यवहार काल में प्रतीत होता है वैसा विचार काल में प्रतीत नहीं होता। व्यवहार काल में पृथक है और विचार काल में पृथक है, बिल्कुल भेद है, विरोधाभास है। और ये दृढ़मूल हो गया है जन्म जन्मांतर की वासनाओं के कारण, जन्म जन्मांतर से चित्त चित्रित होने के कारण ये संसार अंतःकरण में दृढ़मूल हो गया, एकदम दृढ़ हो गया है। और इस दृढ़ संसार को काटने के लिए दृढ़ वैराग्य की अस्त्र से ही हम काट सकते हैं। दूसरा कोई इस संसार वृक्ष को काटने में समर्थ नहीं है। और जब यह संसार वृक्ष कटता है, संसार वृक्ष का हम छेदन करते हैं तो क्या उपलब्ध होता है? यस्मिन गता ननिवर्तन्ति भूये तमेव चाज्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराण। संसार रूपी वृक्ष का दृह वैराग्य के द्वारा छेदन करके महापुरुष जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग का हम भी अन्वेषण करें। और वो मार्ग कैसा है? वहां पर पहुंचने के बाद जीव पुनः लौट करके नहीं आता, वो अंतिम सोपान यदगत्वा न अनुवर्तन्ते तद्धाम परमम। वो भगवान का परम धाम है जहां जीव जाता तो है, जाने का मार्ग तो है लेकिन निकलने का मार्ग नहीं है, वो भगवान का परम धाम है। ये संसार में जो दिखाई पड़ रहा है ये पांच भूतों का परिणाम है। यथा महांत भूतानि भूते सूचा वचस्वनु प्रविष्टान या प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्व। जिसको हम सनातन वृक्ष कह रहे हैं ये पंचभूतों का परिणाम है। जैसे पंचभूत संपूर्ण पदार्थों में अनुगत है उनसे पृथक भी, उसी तरह जो आत्म तत्व है संपूर्ण भूतों में स्थित होते हुए भी सबसे पृथक भी। जो तत्व के जिज्ञासु है उनको एक ही बात का चिंतन करना चाहिए। इतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत केवल इतना ही विचार करना चाहता है, चाहे अन्वय के दृष्टि से देखे और चाहे व्यतिरेक के दृष्टि से देखे, स्वीकार करें या बाध करें निषेध करें। हमने निषेध किया कि अमुक वस्तु ब्रह्म नहीं, भगवान नहीं, ये भी भगवान नहीं, ये भी भगवान नहीं, ये भी भगवान नहीं, ये भी भगवान नहीं, कुछ भगवान नहीं, सबका बाध हुआ। तो सबका बाध करने के बाद भी कुछ ना कुछ शेष बचेगा, कहीं ना कहीं रेकरिंग डालनी पड़ेगी। और जहां हमने रेकरिंग डाल दिया वही भगवत तत्व।
हम स्वीकार करें ये भी ब्रह्म 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 ये भी ब्रह्म, चलते चलते कहीं ना कहीं हमको रुकना पड़ा। तो जहां हम रुक गए, रेकरिंग हमने डाल दिया, वही ब्रह्म। तो हम चाहे निषेधात्मक प्रणाली से देखें, चाहे विधियात्मक प्रणाली से देखें, दोनों दशाओं में जो अंतिम परिणति है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। और जो तत्व के जिज्ञासु है, भगवत तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, आत्म तत्व का बोध चाहते हैं, उनको यही स्वीकार कर लेना चाहिए कि चाहे अन्वय के पद्धति से, चाहे व्यतिरेक के पद्धति से, सर्वत्र और सर्वदा जो विद्यमान सत्ता है, भासमान सत्ता नहीं, भासमान सत्ता बाधित सत्ता है और विद्यमान सत्ता अबाधित सत्ता है, वो अद्वैत ज्ञान है, भगवत तत्व है, उसी को हम लोगों को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। और चाहे भागवत हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद उपनिषद हो, सब के सब एक ही सिखा रहे हैं, एक ही पढ़ा रहे हैं, एक ही समझा रहे हैं कि जैसे भी हो इस संसार में आकर अपना उद्धार कर लो, अपना कल्याण कर लो, और नहीं तो बार बार जन्म और मृत्यु की परंपरा में रहना ही पड़ेगा, और इस दुख से कभी पृथक नहीं हो सकते। इसलिए आओ हम सब मिलकर के उस भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए ही मनसा वत्सा और कर्मणा, और हम इस संसार में आए भी इसी के लिए हैं, इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए, दूसरा कोई प्रयोजन इस संसार में आने का नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए गिरिराज महाराज की, भागवत भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की। अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगद्गुरु निंबार्काचार्य श्री शोभु राम देवाचार्य पीठाधीश्वर श्रीमद राधा मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए, आप सभी कथा श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, कुंभ मेला में गिरिराज अन्य क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रतिदिन भंडारा चलाया जा रहा है, आज के यजमान हमारे थे राकेश जी मीना ग्राम तिलोदा, आप तिलोदा के सरपंच भी हैं, यहाँ पर किसी कारणवश आ नहीं पाए हैं, तो उनका यहाँ मंच के माध्यम से, साधना टीवी के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है श्री राकेश जी मीणा का। और जिन महानुभावों ने आज अपना गिरिराज अन्य क्षेत्र में योगदान दिए हैं, श्री राजा राम जी सिलीगुड़ी बंगाल से हैं, यदि राजा राम जी यहाँ उपस्थित हैं तो मंच पर पधारे। आप गिरिराज अन्य क्षेत्र में आज ही आजीवन सदस्य बने हैं और कल आप यहां से प्रस्थान करेंगे कुंभ मेला से। डॉक्टर श्री विनोद जी यादव साहब, आप सपत्निक मंच पर पधारे, राजा राम जी की भी पत्नी आई हुई है, आप भी मंच पर पधारे। हमारे डॉक्टर साहब जहां झांसी में यज्ञ हुआ था, गुरु भक्त अनन्य गुरु भक्त है ये, जो भी महाराज श्री की आज्ञा होती है उसको शिरोधार्य करते हैं। किसी भी परिस्थिति में हो, यदि महाराज श्री ने जब भी उनको आज्ञा दिया है, हमारे डॉक्टर जी डॉक्टर विनोद जी यादव सपत्नी दोनों पति पत्नी बहुत ही धार्मिक, और हमारी ये सिलीगुड़ी से अभी पहली बार पधारे हैं बाबू श्री राजा राम जी। आपका सिलीगुड़ी में व्यापार है, वैसे तो रहने वाले मुल्ता है, आप राजस्थान के हैं, और अवनीश गोयल
सुरेश चंद जी गोयल 65 HIV आवास विकास कॉलोनी बिजनौर से है महानुभावा। आप भी गिरिराज अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्य बन रहे हैं और साधना टीवी के माध्यम से आप महानुभाव का स्वागत किया जा रहा है। और निश जी आपको भागवत भगवान की ओर से, व्यास जी महाराज की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। इन दान वीरों के लिए एक बार हम लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। भगवती शरण मिश्रा सनत द्वारिका प्रसाद मिश्रा कामत बतिया के रहने वाले हैं। यदि भगवती प्रसाद जी यहाँ हैं तो मंच पर पधारे। जिन महानुभाव ने अपना इस कुंभ मेला में योगदान दिए हैं, श्री अशोक कुमार जी शर्मा मंगल नगर सिरसी रोड जयपुर से आए हुए हैं। अशोक कुमार जी यदि आप यहाँ हैं तो मंच पर पधारे। केरफ बनवारी लाल जी के हैं तो बनवारी लाल जी आप भागवत भगवान का, व्यास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। आशा विनोद कुमार जी रुंगटा अहमदाबाद से आपने भी कुंभ मेला के लिए 2500 की राशि भेजे हैं बैंक के द्वारा। मुन्नी देवी आप पिछले कुंभ जो नासिक में लगा था आप वहां प्रधान यजमान के रूप में थी, आप आगरा से हैं मुन्नी देवी जी। यदि आप यहां मंच पर उपस्थित यहां पर पंडाल में उपस्थित हैं तो मंच पर पधारे। मुन्नी देवी जी नहीं है तो फिर आपने यहां उज्जैन कुंभ में भी भंडारे के लिए सहयोग अर्पण की है। हो सकता द्वारिका के लिए आप वहां पर जब गया जी में भागवत हो वहां भी आप प्रधान यजमान के रूप में रहेंगी। सदैव संस्था से जुड़ी रहती हैं, ये दान करती रहती हैं। महाराज श्री के प्रति इनका आगाध श्रद्धा है श्री मुन्नी देवी जी का। महाराज श्री की अनुपम कृति गिरिराज अन्य क्षेत्र गोवर्धन की पावन धरा पर जहाँ आए हुए आगंतुकों के लिए ठहरने के लिए विशाल धर्मशाला 110 कमरे का वहां पर विशाल आश्रम है गिरिराज अन्य क्षेत्र श्री राधा सर्वेश्वर पीठ। 12 वर्ष के लिए अखंड रामायण पाठ बैठा हुआ है, अखंड ज्योत जल रहा है और हम लोगों के लिए महाराज श्री ने एक और शुद्धा किया है वहां पर कि जो लोग अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं होटलों में जाकर के, तो हम लोग होटलों में न जाकर के गिरिराज जी के पावन धरा पर चल करके अपने बच्चे का जन्मदिन मनाए, मैरिज एनिवर्सरी डे मनाए, माता पिता के पुण्य तिथि पर भंडारा कराए। होटलों में जाकर के तो आप वहां पर क्या है, बहुत पैसा खर्च करते हैं कम लोगों में, मगर गिरिराज जी में मात्र महाराज श्री ने 11,000 की राशि रखे हैं, उसमें आपका अभिषेक होगा, उस दिन आपका रामायण का पाठ होगा और संतों की भंडारा प्रसादी होगी। जो भी वहां संत आते हैं उनको प्रतिदिन दक्षिणा बांटी जाती है, उस दिन का संकल्प आपके निमित्त रहेगा। तो पुण्य क्षेत्र में जाकर के अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना, उस बच्चे में संस्कार डालना है, अच्छा संस्कार, भगवत अनुरागी बनेगा आपका वो बालक। यदि हम माता पिता के प्रत्यर्थ पुण्य तिथि पे करते हैं तो उर्द गति को प्राप्त होंगे माता पिता। अपने मैरिज एनिवर्सरी डे पे करें दाम्पत्य जीवन सुखी बनेगा। आपके साथ नहीं पता कितने लोग आकर के वहां तीर्थ करेंगे, कितने लोग आएंगे आपके साथ, 10, 20, 25, 50 लोग आकर के गिरिराज जी का परिक्रमा करेंगे, आपके साथ अभिषेक में सम्मिलित होंगे, भंडारे में सम्मिलित होंगे, उनके भी जीवन में प्रेरणा मिलेगी। तो हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए, यदि हम बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो क्यों नहीं हम गिरिराज जी में चल करके उस दिन अपने बच्चे के जन्मदिन पर रुद्राभिषेक करवाएं, क्यों नहीं रामायण का पाठ करवाएं और संतों की भंडारा प्रसादी करें मात्र 11,000 की राशि में। और
जो लोग इस बेले ही ताजीवन पर्यंत के लिए जीवन में एक बार देना है, बार बार देने का नहीं है, एक बार 21,000 रुपया दे करके उस पैसे को बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा कराकर उसके ब्याज से ये गिरिराज अन्य क्षेत्र चल रहा है। प्रतिदिन परिक्रमा मार्ग में वहां पर चाय नाश्ता बटता है, चाय बाल भोग की व्यवस्था रहती है। जो आए हुए आश्रम में आगंतुक होते हैं उनके लिए, जो परिक्रमा करने वाले लोग होते हैं उनके लिए, शाम के समय वहां पर पूरी सब्जी का वितरण किया जाता है। तो कहीं न कहीं हमारा अंशदान उस गिरिराज अन्य क्षेत्र में अवश्य रहेगा। हम लोग यदि देख रहे हैं यहां पर कि महाराज श्री अन्य क्षेत्र चला रहे हैं, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, और हम लोग यदि सक्षम हैं तो हमें अवश्य इन महाराज श्री के संकल्प के साथ, अनुप कार्य के साथ हम लोगों को जुड़ना चाहिए। सक्षम नहीं है कोई बात नहीं है, मगर जिनको प्रभु ने दिया है, गुरुजनों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आपको यदि मिला है ये धन, तो इस धन को सार्थक करें और अपने जीवन को भी पुण्य कार्य में लगाएं। अपने धन को पुण्य कार्य में लगा करके गिरिराज जी के पावन धरा पर एक रोटी का वितरण अवश्य कराएं। जो लोग सक्षम हैं उन सब लोगों से मेरा ये, जो लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, जो लोग पंडाल में भी बैठे हैं, आप लोग अवश्य गिरिराज अन्य क्षेत्र से जुड़े एक छोटी सी राशि मात्र 21,000 एक बार देना है, जीवन में बार बार नहीं देना है। वो राशि आपकी बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में रहेगी, जो भी उसका ब्याज आएगा उसके ब्याज से अन्य क्षेत्र चलेगा। तो आप लोग सब लोग जो सक्षम है जुड़े। गया जी में सितंबर के महीने में महाराज श्री 108 भागवत करवा रहे हैं। जो लोग अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं किए हैं, जो अपने पूर्वजों का, जिनके घर में कभी श्राद्ध नहीं हुआ है, वो लोग अवश्य चल करके गया जी में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म कराएं। 4 जून 2017 में 108 यूरोप का यात्रा है, सन 2017 में यूरोप का यात्रा है। तो आप लोग महाराज श्री के साथ यूरोप यात्रा के लिए स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली की यात्रा है। जिन लोगों को इस यात्रा में भाग लेना है, जो यहाँ बैठे हुए हैं या जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उस पर मोबाइल नंबर चल रहे हैं, उस पर आप संकल्प संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप प्रतिदिन हमारे बाल कृष्ण शरण के द्वारा गिरिराज अन्य क्षेत्र के संबंध में श्रवण कर रहे हैं। कोई किसी को खिलाता नहीं है, सब अपने प्रारब्ध का भोग भोगते हैं। हम अपना मूल्यांकन करें तो 30 साल पहले उस आश्रम में साल में 2 क्विंटल गेहूं खर्च होता था, और अब प्रति वर्ष का एवरेज हम लगाए तो 2 क्विंटल रोज खर्च होता है। पहले इतना ही मिलता था, उसमें भी परेशानी रहती थी। एक महीना खर्च चलाना है 1 किलो तेल में, अब 600-700 पीपा तेल लगता है।
और उसमें हम केवल निमित्त बने। हम तो ऐसे हैं मेटा कुहार का घड़ा और घी जजमान का ओम नमो स्वाहा। तो हम तो इसमें केवल निमित्त बनते हैं और हम सब सब से चाहेंगे कि आपका वो राशि सुरक्षित रहेगा, पुण्य भी सुरक्षित रहेगा। हम और आप एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाएंगे, लेकिन वो शाश्वत पुण्य जो आपके नाम से चलेगा चलता रहेगा, हमेशा चलेगा, क्योंकि वो राशि बैंक में डिपोजिट के रूप में रहेगी, उसकी ब्याज से अन्य क्षेत्र चलेगा। और यत किंचित हमें ज्ञात हो या न हो, आपके नाम से वो पुण्य चलेगा। अनजान हमारे मित्र, हमारे पौत्र हमारे नाम से श्राद्ध करे या न करे, लेकिन वहां पर आपके नाम से एक रोटी बटता ही रहेगा, रोज बनेगा, तो अनजान में भी पुण्य प्राप्त होता रहेगा। और राशि बहुत छोटी है, बहुत अल्प राशि, 21,000 की राशि कोई बहुत बड़ी नहीं है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं उस सेवा प्रकल्प से अवश्य जुड़े। हमारी आपसे सादर अपेक्षा रहेगी और आप आए, आप अपने बच्चे का जन्मदिन, अपना विवाह वर्षगांठ, अपने माँ बाप की पावन स्मृति यदि मनाना चाहे तो गोवर्धन आए, हम सादर आमंत्रित करते हैं। और अब वहीं पर ये सारा उत्सव मनाए, नित्य अभिषेक, हवन, अखंड पाठ, अखंड दीप उस दिन आपके नाम से आयोजित होगा और अखंड रामचरितमानस का पाठ भी आपके नाम से होगा। प्रतिदिन गोपाल सहस्त्र राम का भी पाठ होगा आपके नाम से। तो आप सब गुरुदेव सत्य की धरा पर सौहार्द के बादल बनकर बरसे जबा, तो खिल उठे सहसा श्रद्धा सेवा और भाव व दिव्य कमल, जिनसे मिला सबको खोया सम्मान, युवाओं को संस्कारों की दिशा, बच्चों को उन्नति की सीढ़ियां और दीन दुखियों को कष्टों के सागर से मुक्ति। सच में तुम मानव नहीं धरती पर अवतार हो, हर डूबते प्राणी को सहसा मिला पतवार हो, तुम पूर्ण हो, तुम ब्रह्म का वरदान हो, तुम भक्ति हो, तुम ज्ञान हो, तुम भक्तों के भगवान हो। परम पूज्य श्री जगद्गुरु निंबारकाचार्य पीठाधिपति श्रीमद स्वयंभू राम गद्याचार्य श्री राधा मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज, ज्ञान गुरु कर्म योग और उपासना योग के अद्भुत संगम है। प्रभु के अनन्य भक्त संत श्री राधा मोहन दास जी महाराज भक्ति गंगा के वो तीर्थ है जहाँ अनेक धाराओं की संधि होती है। मानवता के साकार रक्षक पूज्य महाराज जी से तमस के कालस्य को मिटाकर प्रभु भक्ति की प्रेरणा मिलती है। सद्गुरुदेव तो अज्ञान दुख संताप अशांति ईर्ष्या में जलते हुए मानव को असीम शांति प्रदान करने वाले अमृत कलश लेकर इस धरा पर उतरे हैं। महाराज श्री का पावन निर्देश है, इंसान कर्मशील प्राणी है,
निरंतर कर्म करते रहना ही जीवन का सिद्धांत है। किंतु ज्ञान के साथ जो कर्म किया जाता है वो कर्म ही सुकर्म होता है। जब व्यक्ति मानवीय कर्तव्य से विमुख होकर गलत कदम उठाने लगता है तो उसे उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। जब ईश्वर के प्रति श्रद्धा समाप्त होने लगती है, संत महात्माओं के प्रेरक वचनों का पालन नहीं किया जाता, धर्म ग्रंथों का श्रवण मनन नहीं होता, प्रकृति के साथ खिलवाड़ होने लगता है, तब कष्ट झेलना ही पड़ता है, सांसारिक दुखों को भोगना ही पड़ता है। सद्गुरुदेव श्री राधा मोहन दास जी महाराज के दिखाए मार्ग पर चलकर आप भी अपना जीवन सार्थक करें। भगवान इंसान को सुधरने का मौका अवश्य देते हैं, मगर नादान इंसान भगवान का इशारा समझ नहीं पाता। धरती पर सद्गुरु का आगमन इंसान को नेक राह दिखाने के लिए ही होता है। समय समय पर सद्गुरु धरती पर आकर भक्तों का कल्याण करते हैं, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं, ईश्वर भक्ति का संचार करते हैं और भक्तों का जीवन सफल बना देते हैं। इसी सदी के महान संत परम पूज्य श्री जगतगुरु निंबार्काचार्य पीठाधिपति श्रीमद् स्वयंभू राम गद्दाचार्य श्री राधा मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज के मन में वचन में पुण्य का अमृत लबालब भरा हुआ है। आप कर्म और दया से ओतप्रोत हैं। आज हमारे बीच परम पूज्य श्री जगतगुरु निंबार्काचार्य पीठाधिपति श्रीमद् स्वयंभू राम गद्दाचार्य श्री राधा मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज विद्यमान हैं, जिनके सानिध्य में अनेकों भक्तों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। श्री सर्वेश्वर गीता मंदिर गिरिराज अन क्षेत्र के संस्थापक परम पूज्य श्री जगतगुरु निंबार्काचार्य पीठाधिपति श्रीमद् स्वयंभू राम गद्दाचार्य श्री राधा मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज का कृपा प्रसाद भाग्यशाली भक्तों में समान रूप से वितरित हो रहा है। आज जब तप की प्रवृत्ति खोती जा रही है, आडंबर दिखावा समाज पर हावी हो रहा है, मगर इसी धरातल पर परम वंदनीय गुरुवर में मंत्र राज गोपाल मंत्र अष्टादशाक्षर मंत्र का 30 से भी अधिक महापुरुष जन जप कर विरक्त साधकों के समाज में आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि जिन्होंने कभी किसी से एक गिलास पानी ग्रहण न किया हो, आज उन्हीं के द्वारा संस्थापित अनेक सेवा प्रकल्पों द्वारा लाखों जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। श्री राधा सर्वेश्वर गीता मंदिर गिरिराज अनुक्षेत्र के सभी सुहेदियों के सत संकल्प का सुखद परिणाम, सेवा क्षेत्र में बढ़ते कदम का प्रबल प्रतीक, धरा का सबसे पावन तीर्थ स्थल श्री गिरिराज महाराज की पावन तलहटी में मुख्य परिक्रमा मार्ग पर भक्तों साधु संतों दीन दुखियों अभ्यागत अतिथियों एवं परिक्रमा करने वाले भक्तों के लिए विश्राम स्थली के रूप में अन्य जल से संतुष्टि देने के लिए पलके बिछाए खड़ा है श्री गिरिराज अनुक्षेत्र। आप सभी यहाँ पर जरूर पधारे और पुण्य के भागी अवश्य बने। भाग में उत्तर दिशा सरयू बही भाग में कल कल बहती सरयू की सौम्य धारा, मंदिरों से गूंजती शंखों और घड़ियालों की मधुर ध्वनि, फिजाओं में फैली भक्ति और प्रेम की महक, तो वातावरण में छाई श्री राम के बाल लीला की छाप। ये नजारा है भक्ति और प्रेम की नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि
अवधपुरी का, जहां भक्त की भक्ति से भगवान स्वयं बनकर चले आते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है बाबा श्री राम प्रसाद आचार्य जी महाराज का, जिनकी भक्ति